निकिता का बच्चा, मेरा निकिता का बच्चा छीन लिया भगवान ने। मुझे इस बात का दुख होना चाहिए था या फिर खुशी? नहीं, खुशी कैसे हो सकती है? इस बच्चे का बाप था मैं। एक मां का दिल ही जानता है कि बच्चा खोने का दुख क्या होता है। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी। मैं भी यही चाहता था, पर समाज में उसके जन्म को लेकर कितनी ही उंगलियां उठती। समाज कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि समीर उसे अपना नाम दे चुका था। और यही कारण था कि मैं नहीं चाहता था कि निकिता बच्चे को जन्म दे। मेरे बच्चे के नाम के साथ समीर का नाम जुड़े, ये मुझे मंजूर नहीं। राजीव, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोए नहीं अभी तक? हमारे बच्चे के बारे में सोच रहे हो ना? कि हमें बेटा होगा या बेटी? बेटा होता या बेटी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपने बच्चे को अपने सीने से लगाने की चाह थी। निकिता, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, तुम्हारा सुंदर सपना टूट गया। पता है राजीव, मेरा सबसे खूबसूरत सपना पूरा होने जा रहा है, मां बनने का सपना। भगवान ना करे कि मेरा ये सपना टूट जाए। मैं आपको बच्चा देना चाहती हूं, और अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं। नेहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। निकिता, तुम्हारा सपना जिसने भी तोड़ा है, मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही देना। दीपक, अब तुम आदत डाल लो लंच के लिए घर आने की। अब तो तुम्हारा ऑफिस पास में ही है। हाँ ठीक है, आ जाया करूंगा। लो, किसे ढूंढ रहे हो? वो कहाँ है? वो कौन? ओह, कहीं तुम शालिनी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? क्या बात है, आजकल उसके बारे में बहुत पूछने लगे हो। वो कहीं पर भी हो, में क्या फर्क पड़ता है? तुम खाना खाओ ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इंसानियत के नाते कह रहा था कि अगर हम खाना खा ही रहे हैं तो वो भी हमारे साथ बैठकर खा लेती। क्यों, मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता? कहो तो तुम्हारा लंच उसके रूम में लगवा दूं। ठीक है, प्लीज अब बात का बतंगड़ मत बनाना। दरअसल मुझे ऑफिस से लंच टाइम में घर पे खाना खाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था, शांति तो बनी रहती। अच्छा ठीक है, अब खाना खा लो। मूड नहीं है मेरा। अरे भाई साहब, आइए। नमस्ते। नमस्ते समधन जी, नमस्ते। कर्नल साहब, नमस्ते। अरे अरे, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए।
कहिए कैसे हैं आप भाई? हम तो बिल्कुल फिट रहते हैं, आप अपनी सुनाइए। नमस्ते नमस्ते समधी जी, बहुत सही वक्त आए हैं, बहुत अच्छा टाइम। अरे पापा कब आए? हाँ बेटा अभी आया हूँ। ये अच्छे वक्त बात का मैं मतलब समझा नहीं। अच्छा वक्त इसलिए कि आप आए हो तो अभी खाना खाए बिना हम जाने नहीं। हाँ, हाँ। और आज का खाना आपको और ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, वो इसलिए कि आज का खाना नंदिनी बनाने वाली है। क्या मैं खाना बनाऊंगी? नेवर। और वैसे भी ये किसने डिसाइड किया और वो भी बिना मुझसे पूछे? किचन में पाव रखने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते बेटी, ऐसे कहते हैं कि मैं खाना नहीं बना सकती। अब वो बहन जी आप देखिए ना कि हमारे घर में तो नौकर और कुक ही किचन में जाते हैं, इस बेचारी ने तो किचन की शक्ल भी नहीं देखी है। भाई हम ठहरे शाही खानदान वाले लोग, थर्ड वर्ल्ड वाले लोग, फिर ऐसे छोटे मोटे काम शोभा भी उन्हें देते ना। लो कर लो बात, मतलब जो घर का काम करते हैं, जो किचन में खाना पकाते हैं, वो छोटे लोग होते हैं, है ना? मैं और भाभी भी घर का काम करते हैं, खाना पकाते हैं, तो क्या हम घर की नौकरानियां हैं? वो तो आप ही जाने, आप खाना बनाए या ना बनाए, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए। बहन जी एक काम करते हैं, आप लोगों का आज का खाना मैं अपने घर से बना के भिजवा देता हूँ, आप समझ लेना किसने बनाया, और देखिएगा इतना जायकेदार खाना होगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलो बेटी जल्दी चले, तुझे सबको खाना भी तो भिजवाना ना बना के। चलो हाँ चलो चलो। अच्छा जी राम 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 राम, लो कर लो बात, बेटी जो बोली सो बोली, लेकिन शाही बाप जो बोल कर गए हैं वो तो कमाल ही हो गया। लो कर लो बात, भाभी और भैया तुम दोनों को ये बात कुछ अजीब लग रही है या नहीं ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन हाँ तुम्हारी बहू शादी के बाद तुम्हारे बेटे के साथ कम वक्त गुजारती है और अपने शाही बाप के साथ ज्यादा वक्त गुजारती है। राम 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 राम, लो कर लो बात, इस लड़की के तो घर में पांव टिकते ही नहीं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। देखिए ना शादी के बाद मैंने ये भी कहा है कि अपनी माँ से मिलवाओ, लेकिन मिलवाने के लिए तैयारी नहीं, पता नहीं क्यों। लो कर लो बात भाभी, बहू खाना पकाए या ना पकाए, लेकिन मुझे तो दाल में काला ही काला दिखाई दे रहा है। राम दीपक चले। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जरा डिनर करने बाहर जा रहे हैं। मम्मी जी कुछ देखा आपने? ये बात तो हाथ से निकलती जा रही है, दीपक कैसे चुपचाप उसके साथ चले गए जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। अरे रीमा क्यों परेशान हो रही है तू? मर्जात तो होती है ऐसी है, बहुत जल्दी भटक जाती है। अब ऐसी तो भटक के तेरे पास भी तो आया था ना। मम्मी जी आपको मालूम है आप क्या कह रही है? हाँ हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ क्या कह रही हूँ। अरे खाना ही खाने तो गए हैं और क्या करेंगे वहाँ पे, आ जाएंगे घर पे, बैठ आराम से।
संगीता आई एम सॉरी, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। बस राजी, जब तुम्हें इस बच्चे की दुनिया में आने से खुशी ही नहीं थी तब तुम ये गम और वो हमारा बच्चा नहीं, सिर्फ मेरा बच्चा, सिर्फ मेरा बच्चा। मंगलसूत्र को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर ये मंगलसूत्र पहन नहीं लिया है तो हम इसे सिंदूर भी भर लो। राजीव, मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी। तुम्हारी जिंदगी से तो चल रही थी, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि कम से कम हमारे दिल तो नजदीक है। इस बात की तो तसल्ली थी मुझे। तुम्हारे इतने नजदीक रहते हुए भी मैं कभी ये नहीं जान पाई कि तुम कितने पत्थर दिल इंसान, इतने पत्थर दिल कि तुमने अपने ही बच्चे को गिराने की बात। जब मैंने अपना बच्चा खोया तो मुझे लगा जैसे कि तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। शायद इस बच्चे ने भी तुम्हारी बात सुनी और शर्मिंदा हो तुम तुम्हारी सोच पर, इसलिए उसने दुनिया में रोज निकिता, तुम जो भी बात कर रही हो बिल्कुल सच है, मैं किसी बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम बेकार में अपने आप को एक अनचाहे रिश्ते में बांध कर क्यों सजा दे रही हो, और ये मंगलसूत्र पर ढोंग क्यों रचा रही हो? जिस वजह से तुम ये ढूंढ रचा रही थी अब वो वजह ही नहीं रही। राजीव, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मैं ये ढूंढ कर या फिर मैं अपने आप को सजा दे रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को दोषी मानने लगे, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं समीर के घर पर नहीं रहूंगी तो तुम्हारे दिल पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए? तुम जिसे ढोंग कह रहे हो वो ढोंग नहीं बल्कि एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, अपनी खुशी से कर रही हूं। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा? राम 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 राम, कैसी किताब है, कैसे कपड़े पहनती हैं आजकल की लड़कियां, तुम देखो। छी 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 छी, राम 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 राम। माँ जी, नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है? लो कर लो बात बेटा, ये सवाल तो हमें तुम्हें पूछना चाहिए, उल्टा तुम हमसे पूछो कि बहू कहाँ है, बताओ। वीर बेटा, नंदिनी ने अब तक मुझे अपने मम्मी से नहीं मिलवाया। हाँ, वो आएंगे आपसे मिलने के लिए, बहुत जल्दी आएंगे। हाँ बेटा, जब अब रिश्तेदारी बन ही गई है तो मिलना जुलना तो होना चाहिए ना। राम 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 भाभी, तुम भी बहुत भोली हो। अरे पहले बहू तो इस घर में मिलजुल कर रहना सीख ले, उसके तो पांव इस घर में टिकते ही नहीं है। अरे वीर बेटा, जब देखो तो घूमती रहती है, कमाल की लड़की है वो। दीदी, अरे क्या है, मैं वीर से बात कर रही हूँ भाभी। अरे हाँ वीर बेटा, वो तुम्हारे शाही खानदान के आए थे,
अरे वही तुम्हारे शाही ससुर जी, वही जो पान चबाते रहते हैं, वो आए थे। वो कह रहे थे कि शाही खानदान की बेटियां जो हैं, वो किचन में खड़े होकर खाना नहीं पकाती। भाई लो कर लो बात, कमाल का खानदान है। हाँ देखिए बुआ जी, माँ जी, थोड़ा सा वक्त दीजिए नंदिनी को, वो एडजस्ट कर लेगी, और थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों को। सही बात बोली बेटा तुमने वीर, बिल्कुल सही कहा तुमने। पहले बहू ने कहा एडजस्ट कर लो, अब बेटा कह रहा है एडजस्ट कर लो। बेटा तुम फिक्र नहीं करना, हम ही लोग एडजस्ट कर लेंगे। दीदी बैठो, तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कह देती हूँ लगाम डाल लो इसकी बीवी पर, वरना बहुत पछताओगे। क्या देख रहे हो? तुम्हें शालिनी कितना अच्छा लग रहा। नहीं हम दोनों यहां पर अकेले, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसे ही वक्त निकालना चाहिए? अच्छा लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है, बस तुम्हें। शालिनी अगर इस वक्त हम ये बात ना करें तो प्लीज। ठीक है तो फिर क्या बात करें? कुछ तुम्हारे बारे में, कुछ मेरे बारे में, कुछ। बदल जाती है।